बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे मौजूद हैं और ये दरिया लाल मंदिर पे आप देख सकते हैं कैंप लगा हुआ है जेडीसी का। आइए आइए मैं आपको दिखाऊं। देखिए इस वक्त चूंकि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मसला है और हमने कोशिश की है, हमने जिस तरह मुख्तलिफ चर्चेस को मंदिर को कैंप बनाया था, इसी तरह से इस वाले मंदिर को भी हमने अपना कैंप बना दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओमुद्राय नमः, ओम सीता संकट निवारण नमः, ओम रामाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय। आप फिर से पंडित विजयलाल महाराज साहब हैं और दरियालाल मंदिर के आप पंडित भी हैं। उसके अलावा जो हम 12 रबी अव्वल को जेडीसी पिछले 10 सालों से बैनुल मजाहिब मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस व चड़ामा का इनेकाद करते हैं, उसमें आपकी आमद और आपकी तकरीर बहुत अहम दर्जा रखती है। तमाम मजाहिब के लोग आके जब ये बात बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल आलमीन बन जाए, ऐसा मोहब्बत का पैगाम जाता है और मुख्तलिफ इत्तेहाद के प्रोग्रामों में आपकी आमद बहुत अच्छा रंग देती है। हमने इस मंदिर को भी अब बिल्कुल अपना एक तरीके का सेंटर बना लिया सर, ऐसे ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो तो हैं, हम मुख्तलिफ मंदिरों में और मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं हर इबादत खाने में। अब आपकी भी जिम्मेदारी है सर, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है और हम आभारी है जफर भाई आपके, कि आपके इस काम से तमाम मजहब मसलक और समझिए हम पाकिस्तानी को एक कर दिया, पाकिस्तान का असल चेहरा आप दिखा रहे, तमाम तासुब तमाम नफरतें खत्म करके। और दरियालाल मंदिर संकट मोचन मंदिर आपके लिए हाजिर है क्योंकि आप इंसानियत का काम कर रहे हैं। आप उस इंसानियत का काम कर, यानी आपने कहा रबुल आलमीन, बिल्कुल हम रबुल आलमीन जो कहते हैं और जो उनके मानने वाले हैं बिल्कुल आप उनके फॉलोअर हैं और आप बगैर भेदभाव के तमाम इंसानों की खिदमत करें, खासकर हिंदू कम्युनिटी सिख हो गई, हमारे मसीह भाई हो गए और दीगर माइनॉरिटी के, तो हम तो दिल से आभारी है, खुशी हमें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान आपको ऐसी हिम्मत दे और सबसे पहले डिस्टेंस आपकी रक्षा करे, आपकी टीम की रक्षा करे, कि इस हालत में भी जहां पे लोग बिल्कुल अपने आप को लॉकडाउन कर रहे, अपने बच्चों को बचा रहे, छुप के रह रहे और आप बिल्कुल एक फ्रंट लाइन बन गए फौजी की मानिंद, जहां पे डॉक्टर नर्स और हमारे दीगर अमला है, आप भी इसी फ्रंट लाइन पे आके हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं इंसानों में उनकी आप खिदमत कर रहे हैं और भगवान आपके अंदर आगे। अब आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा और आपके साथ हमारी तमाम ये कोशिश जारी रहेंगी और हम कोशिश करेंगे ये हर दूसरे दिन आपके गाड़ियों उतरती रहे। मैं दिखाना चाहूंगा, देखें किस तरीके से यहाँ पर ये सारे मंदिर को भर दिया गया राशन से हर तरफ और ये अब इनकी जिम्मेदारी लगा दी गई पंडित साहब की, ये लोग इसको अच्छे तरीके से बांटते रहेंगे और हमारा इनसे पुराना वास्ता है, आज का भी तकरीबन 10 साल का वास्ता है, मैं इनसे रखते में हूँ पंडित साहब से। पंडित साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने जाने की जानेब से कि आप हमारे साथ। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आप शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया तो आपका है, हमने आपको बोझ डाल दिया नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ से जो भी ये सामान जाएगा आपकी जेडीसी की टीम जो आपका एक सिलसिला है हम भी उसके फॉलो करेंगे, क्योंकि हम आप ये बात करें इससे हमारा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम आप पे दबाव करें, कोई आप बिल्कुल अच्छा काम करें। मैं बताता चलूं ये तमाम हिंदू लड़के हैं जो पिछले 1.5 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, इतहाई गरीब बस्तियों में मंदिर ढूंढना आबादियां ढूंढना, ये क्या प्रकाश नाम है, प्रकाश है, इसकी टीम बहुत काम करे। बिल्कुल एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा सर। ज्यादा से पहले हमारे एक रस्म होती है मतलब श्री गणेश करते किसी काम से मिले, ठीक ठीक जब बिस्मिल लगे थे जी जी, वो हम नारियों का यहाँ पे करके फिर आपको जो मान पान देना है बापू ने जाते श्री मनमा जय श्री बोल श्याम रामचंद्र की जय, भगवत हनुमान की जय। ने आ रहे जफर भाई की धन्य है जफर भाई को, के इस संकट के टाइम में हमारे जो साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं इंडिया वाले कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को राशन नहीं मिलता है, मगर हिंदुओं को सबसे पहले देखा, हिंदू क्रिश्चियन सिख कोई भी कौम है इस कराची पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जेडीसी के अंदर जेडीसी का काम चल रहा है, हर जगह डोनेशन चल रहा होती है, वो मैं दुआ आपको दूंगा। या देवी सरस्वती सुरक्षा संस्था नमस्ते 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 नमस्मा, हे ईश्वर हे परमात्मा आप इस जफर भाई की रक्षा करें, इनकी टीम की रक्षा करें,
ये जो बहुत ही खतरनाक वायरस में काम कर रहे हैं, जो कि ना नजर आने वाला राक्षस है, महामारी की बीमारी जो चल रही है, और इसमें निकल के लोगों की खिदमत करना, ये जज्बा ही बड़ी बात है, ये जज्बा ही बड़ी बात है, सोचना बड़ी बात है। ये जफर अब्बास भाई मैं जानता हूं, मैं कई दिनों से इन्हें देख भी रहा हूं और बड़ी खुशी भी हो रही है, कह भी रहा हूं कि कहीं इनसे मुलाकात हो कि भाई आप अपनी भी हिफाजत कीजिए, आप जिस तरीके से निकल रहे, शाबाश आपको, धन्यवाद है। और हमारी तरफ से दुआ है कि भगवान माता रानी आपकी रक्षा करे, बजरंगबली आपकी रक्षा करे, आपकी टीम की रक्षा करे, और इस पाकिस्तान, इस दुनिया से ये कोरोना वायरस नाम का जो राक्षस महामारी की बीमारी है खत्म हो जाए। माह रमजान में दीगर लोगों से भी ये प्रार्थना है, वो भी दुआ करें, हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी दुआ करें, और हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों से जो कि रिच फैमिलीज से है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे मैं जरूर ये अपील करूंगा कि ये देखिए जफर भाई है, आप लोग अगर सेवा करनी है, कुछ देना है, जेन्युइनली तौर पर कुछ करना है, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप गुप्त दान करें। जफर भाई के पास कोई मसला, कोई मजहब कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान, और वो भी जरूरतमंद इंसान है, वहां पे सिर्फ इंसान है, उसका नाम क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, क्या है वो, उसे कुछ भी नहीं है। जफर भाई के मुंह पे ताज नहीं करनी चाहिए, आपकी रक्षा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।